अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आज आपने टाइटल पर देखा, आज आपको मैं अपने यानी कि का विज़िट करवाऊँगा और दिखाऊँगा कि मैंने किस तरह का यानी सेटअप बनाया हुआ है। फ़िलहाल तो हफ्ता यानी इस तरह का ही रखना है, उसके बाद मैंने चेंज कर फिर करना है, क्योंकि मैंने अभी रिंग नेक का पेयर नहीं बनाया था। तो अब पेयर उनका बन रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में। वीडियो को स्किप मत करना, चैनल पर नहीं है उसे काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो और व्लॉग आपको मिलते रहे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करना, शेयर करना दोस्तों से, फैमिली मेम्बर से। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, तो लेट्स गो। दोस्तों फाइनली मैं केज के अंदर आ गया हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का मैंने अपना सेटअप बनाया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ये फिंच है मेरी, माशाल्लाह ये देख सकते हैं आप। इनके लिए अंदर मटकी लगा के ये मैंने इनका ये केज रखा हुआ है। और ये हमारे पट्ठे तोते जो नीचे पड़े हुए थे, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाए थे कि ये मैंने नीचे रखे हुए हैं। अब मैं इनको ऊपर ले आया हूँ, क्योंकि अब मैंने वो दूसरे वाला बड़ा वाला पेयर अपने अपने पिंजरे में सेट कर दिया है, उनको पिंजरों में छोड़ दिया है, इसलिए अब कोई ख़तरा नहीं, इनको ऊपर ले आया हूँ मैं। और दोस्तों इस खुले केज में जो हमने इनमें लव बर्ड छोड़ दिए, वो देख सकते हैं आप, ऊपर जो बैठे हुए हैं लव बर्ड हैं ये। और अंदर बॉक्स भी लगा दिए मैंने, ये इनका नीचे दाना पानी रख दिया है, ये देख सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हो गई, ये देख सकते हैं आप। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इनका पेयर कैसे बनाते हैं रिंग नेक का, जो मिलाना हो। तो आपको इसमें ये भी बात पता चल गई होगी कि रिंग नेक का पेयर कैसे बनाते हैं। अगर आपकी तोती यानी तोते को मारती है तो तोते को हमेशा वहाँ छोड़ें जहाँ हमने ब्रीड लेनी है। ये देख सकते हैं मैंने उसको बड़े केज में छोड़ा हुआ है, यहाँ ब्रीड लेनी है मैं। और तोती को हमेशा साइड में एक छोटे से पिंजरे में अलग जोड़ के रख दें, पिंजरा साथ उसको अलग रखें हमेशा। इससे ये है कि वो आपस में बातें करते हैं और उनको ये नहीं पता चल जाता है कि आज के बाद हमने नहीं लड़ना और हम पार्टनर हैं एक दूसरे के, लाइफ पार्टनर जिसे कहते हैं। तो इससे वो मारते नहीं हैं और उनका पेयर भी बन जाता है इजीली। हफ्ते बाद हमने इस तरह हफ्ता रखना है, हफ्ता बाद उसको छोड़ देना है दूसरे केज में जहाँ हरा तोता होगा, फिर इनका अच्छा पेयर बना होगा। तो दोस्तों आपको इस बात की भी समझ लगी होगी उम्मीद करता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, तो अब मैंने यानी कल छोड़े हैं इनको और अब हफ्ते बाद यानी इनको मैंने एक केज में कर देना, वो भी आपसे बात शेयर करूँगा। ये तो ये लव बर्ड है जो हमेशा मैं इनको देखता हूँ, ये इधर ही बैठे रहते हैं, इनको बहुत छेड़ते हैं ये। ये बड़ी सी स्टिक भी लगाई हुई है लेकिन फिर भी वहाँ जा कर बैठते हैं सिर्फ। तो अगर आपका भी पेयर नहीं बना हुआ रिंग नेक का आप बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो से पता चल गया होगा उम्मीद करता हूँ। तो इस तरह आप दो केज जोड़ के बना सकते हैं, एक में तोती छोड़ें एक में तोते को हमेशा वहाँ छोड़ें जहाँ ब्रीड लेनी है हमने। तो इससे फिर आपको पेयर बन जाता है। दोस्तों मेरे केज में यानी बड़े केज में ये जो है मास्टर केज, इसमें अभी चार पिंजरे पड़े हुए हैं अजाफी, ये देख सकते हैं आप, दो ये और दो ही पीछे पड़े हुए हैं ये। तो ये सारे यानी हफ्ते के लिए रखे हैं, इसके बाद मैंने फिर चेंज कर देना सेटअप सारा, वो इसलिए क्योंकि एक पिंजरा फिर फारिग हो जाएगा जिसमें हमने रिंग नेक फीमेल छोड़ा हुआ है, तो फिर उसमें लव बर्ड छोड़ दें। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, मैंने आपको अपना सेटअप दिखाया। तो ये छोटा सा सेटअप है अभी, इंशाल्लाह बड़ा हो जाएगा एक ना एक दिन। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर भी करना अपने दोस्तों से। कमेंट में अगर आपने कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट करें और इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा मैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, इजाज़त दें अपने भाई को, अल्लाह हाफिज़।